अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फबिया जमील और आज की जो हमारी वीडियो है वो इंट्रोडक्शन टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर है। अभी कुछ दिन पहले ही, मोस्ट प्रोबेबली 15 दिन पहले, मैं एक वर्कशॉप पे गई थी जहाँ पे मैंने बहुत कुछ नया सीखा। वैसे अपनी बीएस की डिग्री मैंने बिल्कुल चाइल्डहुड के ऊपर बात की है, उस पर सीखा भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उस वर्कशॉप, क्योंकि वो बेसिकली सिर्फ चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर पॉन्डर कर रहा था, सो आई थॉट इट वुड बी रियली इम्पॉर्टेंट टू शेयर दिस विद ऑल यू पीपल कि ये है क्या और इसकी स्टार्टिंग कैसे हो सकती है, जिसमें हमारे पास जो बेसिकली टॉपिक्स होंगे वो कि लर्निंग इन चाइल्ड कब स्टार्ट होती है, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं पढ़ना, क्यों है वो आज मैं आपको बताऊँगी, और इसके बाद हमने जो है चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। अच्छा, ये जो आज का सेशन है या वीडियो कह लें, ये इट्स नॉट ओनली फॉर टीचर्स बट आल्सो फॉर मदर्स, और जो कोई भी जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर स्कूल्स में पेरेंट्स की और टीचर्स के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स शायद समझते हैं कि लर्निंग कुछ और है, जबकि टीचर्स उनको कुछ और समझाना चाहते हैं। बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए होते हैं क्योंकि कभी कभी कहीं ना कहीं नॉलेज लैक करती है कि चाइल्डहुड एजुकेशन है क्या, बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है क्या। तो आज हम इसके सारे मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये एक स्लाइट इंट्रोडक्शन होगा। वर्कशॉप तो जाहिर सी बात है 8-9 घंटों की थी, एक वीडियो में वो कवर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद एक और वीडियो में बनाऊंगी जिसमें मैं तकरीबन जो जितना क्रक्स जो मुझे लगता है बताना चाहिए वो मैं सारा शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लर्निंग इन चाइल्ड सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि ये होता क्या है और क्या हमने चाइल्ड की लर्निंग जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है क्या वो सही बने हुए हैं या नहीं। फिर 4 डेवलपमेंट्स जो चाइल्ड में होती हैं, जो कि पहले मैं आपको एक बार डोमेन्स भी बता चुकी हूँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हेल्प से, वो होते तो हैं, हर लर्निंग डोमेन्स बिल्कुल मौजूद होते हैं, लेकिन क्या वो डेवलप भी हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद मैं ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँगी। अच्छा, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले और टिप्स एंड ट्रिक्स, ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं आपको प्ले के थ्रू जितने भी जो ये डोमेन्स हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, ये जितने भी डोमेन्स हैं, ये कैसे प्ले के थ्रू इफेक्ट होते हैं, मैं वो सारा आपको बताऊँगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लर्निंग के बारे में बताऊंगी कि अर्ली चाइल्डहुड में या चाइल्ड में लर्निंग कब स्टार्ट होती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स को ये खुशी होती है कि हमारा बच्चा बुक लेके बैठा है और वो पढ़ रहा है, तो शायद ही इज़ गुड, ठीक है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है या ही इज़ रियली नाइस, वो एक अच्छा बच्चा है। जिसको वी एजुकेशनिस्ट हम इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई करते हैं कि लर्निंग इज़ नॉट जस्ट होल्डिंग अ बुक, बुक पकड़ के बैठना और उससे लर्न करना, कुछ मतलब कि कोई चीज़ पढ़ लेना और उसके बाद नेक्स्ट दिन स्कूल में टीचर को बताना, गुड मार्क्स लाना, लर्निंग यहाँ तक बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। लर्निंग का बेसिकली मतलब क्या है कि बच्चे में सोशल डेवलपमेंट हो रही है क्या, इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है। बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन अंदर से उनमें बहुत एंग्जाइटी भर जाती है, ज़िद भर जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चे में डिसीशन मेकिंग है या स्टिल ही इज़ अ मामाज़ बॉय या नहीं है उसमें वो चीज़, ठीक है। और उसके बाद क्या हमारा बच्चा किताब से कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है या वो रट्टा लगा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है जब हम बच्चे की लर्निंग पर बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, बता तो दूंगी मैं आंसर, बट जब तक आंसर बताऊँ कि लर्निंग एक बच्चे में, चाइल्ड में किस टाइम से स्टार्ट होती है, एज 0, 1 से, 3 से या 5 से। तो इसका जो आंसर है, आई होप यू पीपल आर राइट, अगर आपने आंसर सोच लिया है, इसका जो आंसर है वो है कंसेप्शन, यानी कि एज सून एज अ मदर कंसीव्स कहा जाता है कि बच्चे में लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इस्लामिकल परस्पेक्टिव से भी हम यही कहते हैं और वैसे भी अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रिसर्च ये कहती है कि जब बेबी जो है अपनी मदर की वूम में होता है तब ही वो लैंग्वेज एक्वायर तो नहीं कहूँगी, वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और देखें, जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है वो जब रोता है तो उसको सिर्फ सुकून अपनी मदर के पास आता है, क्यों? क्योंकि ये सेंसेस ही हैं जो उसके अंदर एक उनसियत का फैक्टर क्रिएट करती हैं और उसके बाद उसे पता चल जाता है कि मेरी मदर कौन है। तो जो लर्निंग है
somehow वो conception के time ही start हो जाती है. दूसरी ये बात कि जब हम ECE की बात करते हैं early childhood education के बारे में, तो उसकी age 0 to 8 years typically हम count करते हैं. पहले birth 2-8 होता है, लेकिन अब हम 0 बिल्कुल बिल्कुल 0 से count करते हैं. ओके अच्छा, अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिकली इस एजुकेशन को एजुकेशन बनाते हैं. ठीक है, चार हमारे पास डेवलपमेंट्स होती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट. अगर ये चारों डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इट मीन्स के चाइल्डहुड एजुकेशन हो रही है. अगर इनमें से सिर्फ एक डेवलपमेंट हो रही है और हम बाकियों को निगलेक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई एजुकेशन का जो है सीन क्रिएट नहीं हो रहा. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको फिजिकल डेवलपमेंट बताऊंगी. उससे पहले मैं आपको कहूंगी कि इफ़ यू आर एन एजुकेशनिस्ट, एक जो है हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी है जो मैस्लो ने बनाई थी, वो अगर आप देख लें तो इट वुड बी ग्रेट. पहले मैं आपको ये बता दूं तो आप उसके बाद वो चीज़ देख लें. तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छे पैरामिड में सारी चीज़ें बताई हैं, जिसमें बेसिकली यही सारी बातें. अब फिज़िकल डेवलपमेंट भी एजुकेशन का पार्ट है. क्यों? क्योंकि जब तक बच्चे में फिज़िकली डेवलपमेंट नहीं आ रही, वो कभी भी नहीं पढ़ पाएगा. जब तक वो खा पी नहीं रहा, उसका माइंड लीप्स नहीं खाएगा, वो उसका माइंड काम नहीं करेगा, तो बच्चे में ग्रोथ होना और मूवमेंट, जो जितनी भी मूवमेंट होती है, उसके फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, इन सब की डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? और ब्रेन, देखें दो चीज़ें हैं, एक होता है माइंड, एक होता है ब्रेन. ब्रेन इज़ बेसिकली द फिज़िकल पार्ट जो आप हमारे सर में होता है, ठीक है, यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट की बात हो रही है. और माइंड वे इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव से वो फिर किसी और डेवलपमेंट में आता है. अच्छा, इसके बाद है सेंसेस, के जो हमारे बच्चे के सेंस हैं वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं या नहीं, टाइमली हो रहे हैं या नहीं, लेट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें हैं. आइज़ की कोऑर्डिनेशन हो गई, एंड देयर इज़ मच मोर. अब फिज़िकल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, इसमें दो चीज़ों के बारे में आपको पहले बताऊँगी, फ़ाइन और ग्रॉस के बारे में. फ़ाइन मोटर स्किल्स हम कहते हैं बिल्कुल वो स्किल्स जो कि फाइन मसल्स के थ्रू होते हैं, बहुत हम कहें बारीक से स्किल्स होते हैं. ये बेसिकली हाथ या फिंगर्स के थ्रू जो बच्चे काम करते हैं उससे होते हैं. जैसे किसी भी चीज़ को पकड़ना, अपने पेरेंट्स की उंगली को पकड़ना, पिंच करना, कोई चीज़ कट करना सीजर्स के थ्रू. अब आप ये चीज़ें करके देखिए अपने हाथ से, तो आपको फील होगा कि इसमें फिंगर्स यूज़ हो रही हैं. दूसरा, पेंसिल पकड़ना, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. अगर फाइन मोटर स्किल्स नहीं होंगे बच्चे में, तो आई डोंट थिंक सो कि वो पेंसिल पकड़ पाएगा. या हम उसको, वो आप अगर देखें कभी बच्चे, मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट एबल टू स्विच ऑन देयर समथिंग, यू नो, लाइक नीडल को पकड़ नहीं पाते, या कुछ अक्सर ऐसा भी होता है कि वो आई कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते, या कभी वो अपने बटन्स नहीं बांध पाते. तो ये है कि इस मोटर स्किल का होना ज़रूरी है, तभी वो अपनी जो है ये फिजिकलिटी होगी, तभी एजुकेशन की तरफ वो रागब हो सकता है. उसके बाद हमारे पास ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, जो कि लार्ज या हम होल बॉडी मसल्स कह सकते हैं. किस तरीके से कि वो कुछ थ्रो कर रहा है, अब थ्रो करने में हमारे क्या शोल्डर्स और एल्बो यूज़ होते हैं, ठीक है, वो उठ रहा है या बैठ रहा है, जैसे उसमें हिप बोन्स उसके यूज़ हो रहे हैं, कुछ किक करना या क्रॉल करना, जिसमें यानी बड़े मसल्स, हमारे ग्रॉस मसल्स यूज़ होते हैं, उसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं. अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा प्ले करने के लिए. प्ले की एक इतनी ह्यूज इम्पॉर्टेंस है, जो कि इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, तो उसके लिए भी ग्रॉस मोटर स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है. तो बेसिकली फिज़िकल डेवलपमेंट से ही बात एजुकेशन की शुरू होती है. उसके बाद हमारे पास है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बाकी डेवलपमेंट्स को निगलेक्ट करते हैं और इस डेवलपमेंट में काम करते हैं, लेकिन जितनी ये डेवलपमेंट हमारे लिए या सॉरी बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही बाकी हैं. इसमें थिंकिंग, सोचना, अकेडमिक्स, जितने भी अकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ना, यानी वो अच्छे तरीके से बच्चा पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें, मेमोरी, वो कितना कुछ रिटेन कर पा रहा है, उसकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी किस तरीके से, कितनी बेटर तरीके से काम कर रही है, क्या उसमें डिसीशन मेकिंग है, और माइंड की जितनी भी रिलेटेड, जितने भी काम जो इंटेलेक्ट से रिलेट करते हैं, वो इस डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है. और ये बेसिकली स्कूल वाले टाइम पे ही स्टार्ट होती है, जब बच्चा लिखना पढ़ना स्टार्ट करता है. उसके बाद हमारे पास है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट. यहाँ पे
एक तो बच्चा सोशली कैसा है और इमोशनली कैसा है। एथिक्स उसमें है, उसके इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल यानी लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, और जब वो खुद बैठता है तो उसके माइंड में किस किस्म की थिंकिंग्स जो हैं आती हैं, ये भी हमने इसमें आता है। ठीक है कि अगर वो अकेला बैठता है तो क्या बच्चा एक बेहतर चीज़ के बारे में या एक प्रोडक्टिव चीज़ के बारे में सोच रहा है या नहीं, इज़ थिंकिंग समथिंग रॉन्ग, टू डू समथिंग रॉन्ग। फिर उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, बड़े आ रहे हैं वो सलाम कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें। सेल्फ मैनेजमेंट, वो खुद को कितना मैनेज रखता है अपने काम को, अपने टाइम को, कि कब मैंने कार्टून्स देखने हैं, कब मैंने पढ़ना है। और उसके बाद सेल्फ कंट्रोल, द टाइम व्हेन ही नोज कि जब कहाँ मैंने जिद करनी है कहाँ नहीं। इस पे भी एक थ्योरी है जो है इड और ईगो और सुपर ईगो के ऊपर, लेकिन जो है इनिशियली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट नो दिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी डेवलपमेंट में। अब एक बच्चा पढ़ तो अच्छे से रहा है लेकिन वो सोशली ख़ुद को हैंडल नहीं कर पा रहा और इमोशनली नहीं कर पा रहा, विच मीन्स कि ऑल इन वेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट डेवलपमेंट है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अच्छा, ये डोमेन्स में तो हम ब्लूम्स के में नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अनटिल आपके पास एक मीडियम नहीं होगा जिससे बच्चा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो मेरा नहीं ख्याल एजुकेशन स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे बहुत बेसिक, क्योंकि ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है तो बहुत बेसिक टर्म्स से चीज़ स्टार्ट होती है, लेटर नॉलेज से, साउंड नॉलेज से, फोनिक्स से, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस से। और उसके बाद हमारे पास L1 जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा मदर लैंग्वेज होती है, मदर टंग। ठीक है, और उसके बाद बच्चा जितनी लैंग्वेज सीखता है, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, वो L2 में काउंट की जाती है। तो वो कितने बेहतर तरीके से ये लैंग्वेजेस बोल रहा है, और उसके बाद उसकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग हियर, ये चार चीज़ें जो हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, कि वो किस तरीके से लिख रहा है, लैंग्वेज को रीड कर रहा है, स्पीक कर रहा है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में काउंट होती है। क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चा छुपा रहा है। सो बेसिकली इनिशियली ये सारी चीज़ें होती हैं जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की मेन, जो मेन बुनियाद है वो इन चार डेवलपमेंट से बनती हैं। और आज की जो वीडियो थी वो इसी इंट्रोडक्शन के ऊपर थी, दैट यू मस्ट नो दीज थिंग्स। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर दिस वन। इसके बाद कुछ दिनों में मैं कुछ एक और वीडियो इसी वर्कशॉप के ऊपर जो है अपलोड कर दूंगी, जिसपे प्ले की इम्पोर्टेंस और किस तरीके से प्ले बाकी डोमेन्स को इफ़ेक्ट करता है हमें पता भी नहीं होता, और बच्चा एट अ टाइम प्ले के सूरत में कितनी चीज़ों में तेज़ बनता है, उसकी सारी इम्पोर्टेंस मैं उसमें बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग और बोरिंग ना बने। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन एजुकेशनल कंटेंट नीड्स टू बी प्रमोटेड। थैंक यू सो मच।